ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगी, जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम अपना पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है हृदय देश का चित्र धनवा नाम से विख्यात एक राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्र धनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्र धनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्र धनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़ धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की औधर्व दैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके चार पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न मैंने कोई दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़ धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़ धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं पर छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सारा वस्तु को नीच विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा? ऐसा उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है? क्या वह शुकदेव जी हैं? मुझ मूड को संसार सागर में डूबे हुए देखकर, मुझको श्री कृष्ण जी का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं? वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई।
वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता रहा। यह 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है।